बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीवीसी आधार प्रिंट करवाना। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो इस तरह के पीवीसी आधार कार्ड को कैसे प्रिंट करवाना है, वो भी मात्र 50 रुपए में। दोस्तों अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो भी आप अपना आधार को पीवीसी आधार को प्रिंट करवा सकते हैं, वो भी 50 रुपए में। कैसे करते हैं वो सारा जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। लेकिन भी हमारे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल के जो प्रेस आइकॉन बेल आइकॉन दिखेगा उसको प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। 5 4 3 2 1 0। पीवीसी आधार प्रिंट करने के लिए आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ जैसे कि आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है eadhar.uidi.government.in, सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ ऊपर में दिख रहा है माय आधार कार्ड सेक्शन, सिंपली इस सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में ओपन होगा और यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगा जाएगा। आप आधार नंबर, वर्चुअल आईडी नंबर या ईआईडी नंबर, तीनों में से कोई भी डालकर आप काम कर सकते हैं। अगर और यहाँ नीचे आपको कैप्चा डालना है जो बगल में शो करता है, आपको सेम टू सेम कैप्चा डालना है। उसके बाद यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो भी आप पीवीसी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है माई नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, यानी आपका मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर नहीं है, सिर्फ आपको इस चेकबॉक्स को क्या करना है, टिक कर देना है। और इसमें टिक करने का आपका जो भी आधार है और इसको कैप्चा को फिल करके यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ आप जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर ओटीपी जाएगा। चलिए हम इस फिल करके हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। सेंड ओटीपी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ओटीपी डालने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। आपके फोन पे ओटीपी जो जाएगा 6 डिजिट का, वो आपको इसमें फिल कर देना है। तो चलिए हम इसको फिल कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर देना है और यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट के लिए मांगा जाएगा। यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपका जो है 50 रुपए का पेमेंट मांगा जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा या यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हमारा ये पेज डायरेक्टली हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखा दूं, यहाँ पे 50 रुपए का अमाउंट मांगा जा रहा है, टोटल पेएबल अमाउंट 50 रुपीज यहाँ शो कर रहा है। तो चलिए हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, सिंपली हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर और कार्ड पे जो भी नाम इसको डालने के बाद क्या करना है, यहाँ प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इतना डालकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने इस पर प्रोसीड पर क्लिक किया तो ये हमारा पेमेंट पेज पे ले गया और यहाँ पे आपको ओटीपी मांगा जाएगा, यानी आपका बैंक से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा सिंपली उस पर ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को क्या कर देना है, आपको इस पर डाल देना है। तो चलिए हम ओटीपी को हम डालते हैं और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो ये करके हम आगे भी बताते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज जो है रीडायरेक्टेड होगा, आपको जो है यहाँ पे शो कर जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। जैसा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे दिया गया है पेमेंट रिसीव्ड फॉर आधार ऑर्डर, यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिया गया है, यानी कि आपका जो है पेमेंट हो चुका है और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन स्टेटस में सक्सेस दिया गया है। अब इसका जो रिसिप्ट आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब हमारा जो है ये फाइल जिस नाम से हम डालना चाहते हैं उस नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जैसे प्रिंट नाम दे देता हूँ PRINT और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। इसे सेव कर देंगे तो हमारा ये पेमेंट रिसिप्ट यहाँ सेव हो जाएगा, आपको इसको संभाल कर रखना है। और यहाँ 7 से 8 दिन में जो है आपका जो है पीवीसी आधार कार्ड जो है क्या है आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा इंडियन पोस्ट के द्वारा। जैसे मैं आपको इसका पेमेंट रिसिप्ट को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे हमारा इसको ओपन करते हैं तो आपको किस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। जैसे कि आपको देख रहे हैं हमारा ये प्रिंट फाइल ये ओपन हो गया है। तो आपका जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर का, ये नंबर जो है आपका आ गया है, ये रिसिप्ट नंबर इसके नीचे शो कर जा रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इसका स्टेटस आपको चेक करना है तो यहाँ से स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं इस नंबर के द्वारा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नए वीडियो के साथ।